यहाँ साइको रूम में अपना होमवर्क कर दिया है, ताकू का मैसेज आता है, लिविंग रूम में सभी आओ। ताकू सभी से कांतो डिजाइन कंपटीशन में हेल्प मांगता है। मेरे कावा और असादा एग्री करते हैं। ताकू साइको से कहता है, तुम्हें तो करना ही होगा। साइको वहाँ हैरान हो जाती है। नेक्स्ट डे सभी कॉम्पिटिशन के लिए काम करते हैं, पर साइको प्रोटोटाइप बनाने में बार बार मिस्टेक करती है। ताकू को उसे बाहर बैठकर दूसरा काम करने को देता है। तभी वहाँ शोगो आता है। साइको शोगो को बताती है, मैं भले ही उन लोगों से बड़ी हूँ, बट मैं उम्मीदों पे खड़ी नहीं हो पा रही हूँ। वो अपना दुखड़ा उसके सामने सुनाती है। शोगो उसे समझाते हुए कहता है, तुम बहुत प्रेशर में होंगी, बट इस एनवायरनमेंट में खुद को चैलेंज करना इज इनक्रेडिबल, क्योंकि जैसे जैसे तुम बड़े होते हो तुम्हें एक्सपीरियंस आता है, बट उतना ही तुम फेलियर से डरती हो। सो रिजल्ट होता है कि लोग संभल के आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये आसान है, बट जो आसान होता है उससे तुम एक दिन थकोगे जरूर। फेलियर को ना सोचकर काम करना सीखो, रिजल्ट फिर ये आएगा कि फिर से तुम थकोगी। साइको सोचकर कहती है, मैं बोर हो गई थी जब तक मैंने कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया था। शोगो कहता है, हर रिडिकुलस एक्सपीरियंस जरूरी होता है। साइको पूछती है, ऐसा क्यों? शोगो बताता है, बड़े बुजुर्गों का कहना है, जैसे जैसे बड़े होते हैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता, बट तुम अमेजिंग होते जाते हो। तुमने 30 इयर्स में कॉलेज ज्वाइन किया, वो भी वहाँ जहाँ लोग तुमसे 10 साल छोटे हैं। तुम्हें जो करना था वो तुमने किया, हर कोई ये नहीं कर पाता। स्कूल और कॉलेज की एक बात अच्छी है, अगर तुम कोई गलती करते हो तुम्हें वहाँ से कोई निकाल नहीं पाएगा, जैसे कंपनी में निकाल देते हैं। जो आज तुम सबसे डिफिकल्ट सोच रही हो, लॉन्ग टाइम में तुम्हें वो कहीं इंटरेस्टिंग ना लगने लगे। साइको से चीयर अप करने के लिए थैंक्स कहती है। बाद में साइको ताकू का पूरा काम अच्छे से करती है। जैसे वो नहाने के बारे में सोचती है वो बाहर निकलती है, तभी वो ताकू और कीना को बहुत करीब पाती है। उन्हें वो फ्लर्ट करते हुए समझती है और सोचती है कि ताकू का कैरेक्टर इसके आगे बिल्कुल अलग ही हो गया है। दूसरे दिन सभी प्रोटोटाइप कंप्लीट करके एक दूसरे को अप्रिशिएट करते हैं। साइको बार बार अपना नाम लेती है, बट सभी उसे अवॉइड करके पिज्जा पार्टी की तैयारी करते हैं। खाते खाते साइको ताकू से कहती है, हमने टाइम से पहले इसे कंप्लीट कर लिया, अगर तुम जीत गए तो बड़ी पार्टी चाहिए। ताकू मना करके कहता है, फर्स्ट प्राइज तो मैं ही जीतूंगा। तभी उसके पास एक कॉल आता है। यहाँ तागमी सभी को बताता है, तुम्हारा प्रोटोटाइप इससे सिमिलर है, अगर इस कंपटीशन में भेजा तो रिजेक्ट हो जाएगा। साइको सब डिजाइन को देखकर अलग अलग बताती है। ताकू बताता है, सब कुछ सेम है, मैं इस बार गिव अप करता हूँ, एक सा बनाना बेकार है। वो सभी की हेल्प के लिए थैंक्स कहकर चला जाता है। यहाँ साइको अपने रूम में सोचती है और ताकू के पास जाकर कहती है, मुझे लगा था कि तुम फर्स्ट प्राइज जीतोगे, बट तुम गिव अप नहीं कर सकते, मैं तुम्हारा काम जीतते हुए देखना चाहती हूँ। ताकू अवॉइड करता है। साइको कहती है, तुम्हें तो पता ही होगा कि मैं सबसे ज्यादा जिद्दी हूँ, अगर तुम नहीं करना चाहते हो तो मत करो, मैं खुद करके सबमिट भी कर दूंगी। ताकू शॉक होता है। साइको कहती है, मैं सिर्फ तुम्हें बताने आई थी, थैंक यू फॉर लिसनिंग। वो अपना आइडिया पेपर उसे देखकर चली जाती है। दूसरे दिन साइको आइडिया देखकर सोचती है, इसके पास इतने इनोवेटिव कॉन्सेप्ट टाइप के आइडिया कैसे आए। तभी वहाँ ताकू सोने वाली हालत में आकर कहता है, हम इसको कचरे में फेंकेंगे और ये नया बिल्कुल स्टार्ट से बनाएंगे, मैंने ये नया बनाया है। साइको पूछती है, सीरियसली तुमने पूरी रात में ये बना लिया? ताकू बताता है, वैसे ही जैसे मैंने तुम्हारा असाइनमेंट में तुम्हारी हेल्प की थी। वो उसे नया कंसेप्ट बताता है। साइको पूछती है, क्या हम टाइम पे इसे खत्म कर पाएंगे? ताकू एग्री करता है। दोनों काम पे लगते हैं। इस बार साइको गलती नहीं करती। असादा, मिनेगावा और मरीन आकर पूछते हैं, तुमने एक रात में बना लिया, तुम तो एक मॉन्स्टर हो या फिर एक पूरे पागल। सभी ताकू की हेल्प कराते हैं। बाद में कीना और कांता भी उसकी हेल्प कराते हैं। शोगो सभी के लिए स्नैक्स लाता है। ताकू भी उसे काम पे लगा देता है। सभी ताकू की हेल्प करते हैं। ये फैमिली टीम वर्क है। साइको को शोगो का हेल्प करना बहुत पसंद आता है।